गुरु जी, मेरा नाम रेखा मोहित है, इंदौर से आई हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं, दोनों हाथ ऐसे हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक बार वापिस हाथ हिलाइए, दोनों हाथ हिला दो एक बार। मेरा नाम रेखा मोहित है, इंदौर से आई हूँ। हम इंदौर की आपकी कथा में आए थे, तब मेरी बहन की बहू भी मेरे साथ आती थी। उसकी संतान नहीं थी, उसका गर्भ नहीं ठहर रहा था, बहुत परेशान हो गए थे। तो मैंने उससे कहा था कि तू चल, शिव महापुराण की कथा में एक बार बैठ कर कथा सुनते हैं। गुरु जी कहते हैं कि पंडाल में बैठ कर कथा सुनने वाले जो दिल से मांगते हैं उसको बाबा वो देता ही है। 3 महीने की भी देरी नहीं करता, बाबा प्रदान करता है। मैं अपनी बहन की बहू को कथा सुनाने के लिए इंदौर के पंडाल में ले जाकर बिठाती थी। बहुत भीड़ थी, हम लोग जहाँ जगह मिल जाती वहाँ बैठ जाते, कथा सुन लेते। बाबा की कृपा ऐसी हुई, जहाँ संतान का सुख नहीं था, मैंने उससे कहा बस यहीं पर बैठकर कथा को सुनते सुनते बाबा से प्रार्थना कर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप किया, बाबा से प्रार्थना करी। आज हम बाबा को प्रणाम करने आए हैं, क्योंकि हमने बाबा से कहा था कि अगर इसका गर्भ ठहर जाएगा तो जहाँ भी कथा होगी पास में वहाँ प्रणाम करने जाएंगे। मेरी बहन की बहू का गर्भ ठहर गया, इसलिए हम यहाँ प्रणाम करने आए हैं। ये शिव तत्व। बैठिए बहन। हर हर महादेव। शिव तत्व।